दोस्तों अगर आप भी एक न्यू क्रिएटर हैं और आपके भी चैनल पर 0 सब्सक्राइबर या थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर जो है सो आपको कम्युनिटी टैब मिल गया है तो गाइज बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गाइज आपको भी इतना पता होगा तो अभी जो है सो यूट्यूब 0 सब्सक्राइबर पे जो है सो हर एक क्रिएटर को कम्युनिटी टैब ओपन कर रहा है, हर एक क्रिएटर को कम्युनिटी टैब दे रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे बात ये आती है, जो कम्युनिटी टैब तो हर एक क्रिएटर को मिल रहा है, लेकिन गाइज बहुत ऐसे क्रिएटर है जिन्हें कम्युनिटी टैब इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। मतलब कम्युनिटी टैब में किस तरह से फोटो अपलोड करेंगे, किस तरह से जो है सो वीडियो वहाँ पे जो है सो पोस्ट करेंगे, किस तरह से वहाँ पर वीडियो लिंक पोस्ट करेंगे, किस तरह से आप वहाँ पे अपने यूट्यूब फैमिली से जो है सो क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से आप अपने यूट्यूब फैमिली से ये पूछ सकते हैं जो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है गाइज बहुत ऐसे क्रिएटर है जिन्हें मालूम ही नहीं है जो किस तरह से वहां पर करेंगे और कैसे कम्युनिटी टैब जो है सो वहां पे हम काम करेंगे, कैसे कम्युनिटी टैब का हम लाभ उठाएंगे। तो गाइस जिन क्रिएटर को जो है सो कम्युनिटी टैब इस्तेमाल करना नहीं आता है, उन्हें नहीं मालूम है कि कम्युनिटी टैब को किस तरह से जो है सो इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से वहां पे काम करेंगे, तो उन क्रिएटर के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको जो आप अपने YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब में जो है किस तरह से काम कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो गाइस इससे पहले इस चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे गाइस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश राज, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल राज ऑफ ट्रिक्स। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको कम्युनिटी टैब ओपन करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लें, यहाँ से अगर आपको उस चैनल को सेलेक्ट कर लेना होगा जिस चैनल पर आप वीडियो बनाते हैं या जिस चैनल पर आपको कम्युनिटी टैब अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से इस चैनल को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर देख सकते हैं आपको दिख जाएगा योर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हैं ये मेरा चैनल आ चुका है, ठीक है। मेरा चैनल का नाम है राजी ऑफिशियल ट्रिक्स, तो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी टैब है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो है कम्युनिटी टैब मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आप किस तरह से हम कम्युनिटी टैब इस्तेमाल करेंगे ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जान जाइए सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर गाइस हम करेंगे कि यहाँ पर जैसे प्लस आइकन है, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा। प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस नीचे में आपको दिखता होगा क्रिएट अ पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखता होगा गाइज तीन ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट पोल, इमेज पोल और टैक्स, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है और अपने कम्युनिटी टैब में अब तीन ऑप्शन इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी ढंग से जो है अपने कम्युनिटी टैब पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला दिखाते हैं टैक्स्ट पोल, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइज देख सकते हैं, जैसे गाइज आप बहुत ऐसे क्रिएटर कम्युनिटी टैब में देखते होंगे जो वो क्वेश्चन पूछे रहते हैं जो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, चाहे सब्सक्राइब बढ़ाए या व्यूज बढ़ाए या वॉच टाइम बढ़ाए, ठीक है। तो इस तरह से है तो ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिख लेना है जो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम लिख लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख दिया आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं एड ऑप्शन, ठीक है ना, एड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे जो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे सेकंड में एड पोल पे, सेकंड पे आप क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन में तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब वास्टम कैसे बढ़ाए, यहाँ पर देखिए आज लिख दिए। उसके बाद हमें एक और ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एड अनदर ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे एड ऑप्शन, तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हम लिख देंगे व्यूज कैसे बढ़ाए। यहाँ पर गाइस देखिए लिख दिए, यहाँ पर तीन ऑप्शन हम बना दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पोल हम बना चुके हैं, जैसे फर्स्ट में हो गया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, वॉच टाइम कैसे बढ़ाए और व्यूज कैसे बढ़ाए, ये हमारा हो गया पोल, ओके। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिख जाएगा पोस्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये हम पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ से हम जो है सो हम अपने चैनल पर चलेंगे और आपको दिखाते हैं वहाँ पर पोस्ट हुआ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर योर चैनल पर क्लिक करेंगे और योर चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम कम्युनिटी पर चलेंगे, कम्युनिटी पर चलेंगे, कम्युनिटी पर चलने के बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हैं तो ये हमारा पोल बन चुका है ऊपर में। देखिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यहाँ पर तीन ऑप्शन बन चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन पर जो भी ऑडियंस क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से जो है सो यहाँ पे हमारा ये पोल बनेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ से फिर बैक चलते हैं और यहाँ से आपको हम दूसरा स्टेप दिखाते हैं, यहाँ फिर से प्लस सेकंड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट पे फिर से क्लिक करेंगे, क्रिएट अ पोस्ट पे फिर से हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देख सकते क्रिएट अ पोस्ट पर फिर से हम क्लिक कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते इमेज पोल, यहाँ पर अब इमेज पोल हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे सेकेंड ऑप्शन में और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आस्क योर कम्युनिटी, यहाँ पर हम पूछेंगे
जैसे बहुत ऐसे क्रिएटर का आप देखते होंगे चार इमेज दिए दिए रहते हैं और उसमें से बोले रहते हैं जो आप किसको मानते हैं। जैसे मैं जो है सो एग्जांपल के तौर पे भगवान के ही फोटो तीन चार दे दिए रहते हैं, आप बोलते हैं आप किस भगवान को पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो पूछते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आप किस क्रिएटर का सबसे अधिक वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख चले, यहाँ पर देख लिए, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम कोई भी इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गए अभी फिलहाल में हम जो कोई भी क्रिएटर का फोटो तो मेरा पास है वैसे, तो चलिए हम वैसे जो है सो सेलेक्ट कर ही लेते हैं आपके सामने में। क्रिएटर का फोटो होगा गाइज यहाँ पे, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे के फ़ोन में जो है सो ये क्रिएटर का फोटो है। तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट में दे देते हैं मनोज दे का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हम मनोज दे का फोटो एड कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड में फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, और सेकेंड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है सो हम उसके बाद दे देंगे टेक्निकल योगी, ठीक, टेक्निकल योगी सर का दे दिए। उसके बाद यहाँ पे एड ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम फोटो पर क्लिक कर लेंगे और फिर से यहाँ पे कोई भी क्रिएटर का एक फ़ोटो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे यहाँ पे धर्मेंद्र सर का, ठीक, धर्मेंद्र सर के ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर जुन्नू का टैग इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर देखिए ऐड कर लिया, यहाँ पर चार इमेज हम लगा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बता दें यहाँ पर चार इमेज आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये फोटो वाला पोल आप बना सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट का ऑप्शन, यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो है सो पोस्ट हो जाएगी, जिस तरह से वो पोस्ट हो गया तो यहाँ पर हो गया है। फिर से आपको चलिए अपने चैनल पर ले जाते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं जो ये पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर कम्युनिटी पर चलेंगे और कम्युनिटी पर चलने के बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हैं जो ये पोस्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस ये सारी इमेज यहाँ पर चार पर लग चुका है। और यहाँ से जिस भी ऑप्शन पर ये क्लिक करेंगे ऑडियंस, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर वोट ये बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आप इस तरह से अपने कम्युनिटी टैब में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो है फिर से यहाँ पर बैक चलना होगा और एक और ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो फिर से आपको प्लस सेकंड पर क्लिक करना होगा और प्लस सेकंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट अ पोस्ट पर फिर से क्लिक करना होगा। और क्रिएट अ पोस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गए अब अपने वीडियो का लिंक जो है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना होगा आपको, ठीक है। जो भी वीडियो का लिंक आप यहाँ पर पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस वीडियो का लिंक यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए कॉपी करके, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इमेज, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे। तो इमेज पर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो को थंबनेल जो आप बनाए रहते हैं उस थंबनेल को क्या करना है आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। मान के चलिएगा जब हम अभी तो वैसे लिंक नहीं कॉपी करेंगे क्योंकि वहाँ पर टाइम लगेगा, बट आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस इमेज को हम ले लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये थंबनेल तो आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है ना गाइस। यहाँ देखिए यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं आप नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो है सो आपके थंबनेल का इमेज यहाँ पर देखिए आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक इमेज और यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट इमेज, ठीक है। तो यहाँ से ये लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप अपना चैनल का लिंक जो है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप पोस्ट कर दीजिएगा तो ये आपका क्या होगा, पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी अभी लिंक नहीं कॉपी किए हैं तो इसलिए यहाँ पर हम पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक। बैक चलते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर से यहाँ पर हम चैनल ओपन करेंगे। चैनल ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको हम दिखा दें, यहाँ पर चलेंगे अपने चैनल पे और अपने चैनल पर आने के बाद यहाँ पर कम्युनिटी पर चलेंगे। कम्युनिटी पर चलने के बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हैं जो ये जो है सो इस तरह से जो है सो यहाँ पर पोस्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पर हम बता दें जो इस तरह से आप अपने कम्युनिटी टैब को जो है सो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कम्युनिटी टैब और अपने कम्युनिटी टैब से लाभ उठा सकते हैं, ठीक है गाइज। तो सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, अगर गाइज अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो 100% आप ये समझ गए होंगे जो कम्युनिटी टैब किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पे किस तरह से ऑल वर्क किया जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे गाइस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए गाइस आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फिलहाल गाइस ओके बाय।